ये देखिए, ये जो किचन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये किचन ऑलरेडी हो चुका है, तो कैसे ये हम लोगों ने बनाया, तो कौन सा वुड, कौन सा हिंज, कौन सा चीज़, कौन सा मटेरियल हमने बनाया है, और इसमें कौन सा सबसे बढ़िया होता है, दाम सही होता है, कम दामी दम कम नहीं होता है, दम सही है तो चीज़ बेहतर, ब्रांड बेहतर होना चाहिए, कौन सा चीज़ मैंने इसमें लाया। और देखिए ये एक वेंटिलेशन है, ये वेंटिलेशन ही मैंने क्यों दिया, सब कुछ आगे चलकर हम बताएंगे, लेकिन वीडियो में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप 4, 5, 6, 7 ये वीडियो करना पड़ेगा, कौन सा सिर्फ सब कुछ में मैंने आपको हम दिखाएंगे। तो ये किचन कैसे आपको करना है, तो आगे चलिए और चलकर देखिए कौन सा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम बनाते हैं। तो अभी सेकेंड स्टेप में मैंने क्या लाया, सेकेंड स्टेप में ये जो किचन का जो किचन यूटेंसिल का जो बास्केट होता है, वो बास्केट मैंने लाया। तो बास्केट के साथ मैंने ये जो इसके जो चैनल होता है, चैनल भी मैंने लाया, जो कि चैनल हैरिसन का लाया है। हैरिसन बहुत ही पुराना कंपनी है, लॉक मेकर कंपनी है, मोर देन सेलिब्रेट 70 ईयर्स अगो, ठीक है। और उस साइड में जो देखी वो कटलरी बास्केट कहता है 19x20 inches, ठीक है। एक्चुअली ये लेंथ का 20 इंचेस है, इसलिए ये जो चैनल है ये 20 इंचेस होगा, ऐसे करके ये 20 इंचेस है, और जो रीड है चौड़ाई में इसका 19 इंचेस है। तो ये थाली डिशेस है, ये स्टेनलेस स्टील है, और ये क्या है, प्लेन डिशेस है। ये सेकेंड स्टेप में मैंने लाया, उसके साथ भी आपको मैंने माइका भी लाया, लैमिनेट भी लाया, और ऊपर का इनर और आउटर लैमिनेट चाहिए, और इसके साथ भी ये सब आता ही है, ये तो आता ही है। इसमें पूरा चैनल लगा दिया, अभी इसमें चैनल लगाएगा, कि ये जो स्टील का ये बास्केट है ऑलरेडी हमने लगा लिया, ये लगा लिया है ऑलरेडी, ये प्लेन, ये कटलरी और ये थाली। अब ये कंप्लीट होगा तब फिर से हम आपको दिखाएंगे।